अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आंवला नवमी है, आंवला नवमी की मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये आंवला का पौधा है, ये देखिए ऊपर तक दिखाना बेटा, ये देखिए आंवला का पौधा है। और आज के दिन आंवला की पूजा करते हैं, तो मैं आंवला की पूजा करने जा रही हूँ। पानी तो चढ़ा दी, अगरबत्ती जला देती हूँ। आंवला में जब तक हम आंवला में चढ़ाते नहीं तो खाते नहीं हैं, तो आंवला को मैं पहले भोग लगा देती हूँ। रागनी आ जाए। और ये आंवला कैंडी है, आंवला को भी चढ़ाते हैं। जय आंवला माता। आंवला कैंडी सहगी आंवला मिल जाते हैं ना, तो सहगी आंवला भी चढ़ा देते हैं, नहीं मिलते तो ये चढ़ाते हैं। रात नहीं आ जा रहे हैं, गंदा तो नहीं उधर देख गीला। और ये मीठा है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लेकर आई हूँ, दोनों बेटियाँ भी पूजा करेंगी। और आज के दिन पूरे परिवार मिलकर भी पूजा करते हैं ना, तो शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान की सीधी पूजा होती है। तो इस प्रकार से सभी मिलकर के आंवला के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। किसी के घर में गमले रहते हैं तो वो गमले में भी कर लेते हैं, पर वृक्ष के नीचे पूजा करने का कुछ और ही महत्व रहता है। आज के दिन कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा आए थे, तो गोपियाँ यहाँ पर नहीं मैंने के नीचे इंतजार कर रही थी। और उसी दिन से यह वृक्ष का बहुत महत्व माना गया है। मैंने कथा पुराणों में कई बार सुना है कि आंवला की पूजा क्यों मनाई जाती है। तो आंवला की पूजा मनाने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते उन्हें थकान महसूस हुई, तो वो आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम किए थे और यहीं पर भोजन प्रसादी ग्रहण किए थे। तो उसी दिन से यह आंवला की पूजा मनाई जाती है कि क्यों ना हम जहाँ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता बैठकर भोजन किए हैं, उस वृक्ष के नीचे हम भी जा कर के भोजन ग्रहण करें, आंवला की पूजा करें। और ये जंगल में ये वृक्ष रहता है, इसकी जाकर हम पूजा करते हैं। घरों में कुछ लोग गमले में लगा लेते हैं, क्योंकि जो बाहर नहीं जा सकते गमले में भी पूजा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक राजा थे और एक रानी थी, वो बहुत दानवीर थे। जब तक वो एक सोने का आंवला दान नहीं कर देते थे, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से इनके पांच बेटे पांच बहुएं थीं, तो बेटे ध्यान नहीं देते थे, परंतु बहुएं तो ध्यान देती थीं। तो बोलती कि अगर ये डेली डेली एक सोने का आंवला अगर दान करते हैं तो हमारा भंडारण तो एक दिन पूरा खाली हो जाएगा। तो फिर पांचों बहुएं मिलकर योजना बनाई और अपनी योजना में वो सफल हो गई। धीरे धीरे वो फुसर फुसर करते करते अपनी योजना बनाती कि क्यों ना इनको घर से निकाला जाए। सास ससुर हैं और उनको प्रताड़ित करने लगी। प्रताड़ित करते करते एक दिन कामयाब हो गई, घर से निकाल दी। अब वो घर से चलते चलते एक पेड़ के नीचे जंगल में रोते रोते नींद लग गई। वहाँ पर विष्णु भगवान विचर रहे थे, तो वो देखे कि ये दानवीर हैं और ये जब तक दान नहीं करेंगे तब तक ये भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे इनकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। फिर वो उनके लिए फिर जंगल में ही एक महल बनवाए और फिर उनका दान करने का सिलसिला चालू हो गया। इस प्रकार से वो दान करने लगे। फिर बहू बेटे यहाँ पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे
वो यहाँ पर दान करते और बहू बेटे का भंडारण धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब वो बिल्कुल गरीब हो गए, अपंग हो गए, कुछ नहीं था। अब चलते चलते वो जंगल की ओर गए, देखे कि एक राजा रानी है वहाँ पर, वहाँ वो नौकरी पर लग गए। फिर एक दिन रानी की पीठ घिस रही थी वो नहाते समय, तो तिल देखी तो वो पहचान गई कि यह हमारी रानी माता सासू माँ है। फिर उनकी पहचान हुई, फिर सासू माँ बोली कि हाँ मैं ही तुम्हारी सास हूँ। फिर वो गिड़गिड़ाने लगे बेटे बहू, फिर वहाँ पर रख लिए और फिर इसके बाद में सब मिल गए। इस प्रकार से यह कहानी है और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कार्तिक मास की नौवीं तिथि को आंवला की पूजा होती है। अब मेरी पूजा हो गई है दोस्तों, अब मैं खाती हूँ। पूजा करने के बाद आंवला के नीचे ही खाकर जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।